हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन आपके लिए लाए हैं सोना लो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि ऑफर। कसौली में लिटफेस्ट के आयोजन का समर्थन करने पर पूर्व सांसद शांता कुमार के खिलाफ हिंदू जागरण मंच जिला सोलन ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू जागरण मंच ने सोलन में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और शांता कुमार का पुतला जलाया। लिटफेस्ट को लेकर शांता कुमार द्वारा दिए बयान पर हिंदू जागरण मंच इतना खफा दिखा कि शांता के खिलाफ बड़ी बात तक बोल दी। वो जब इस तरह की बात करते हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो ये सबसे बड़ी हिमाचल देवभूमि के लिए खेद का विषय है कि वो हमारे प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे नेता को जल्दी भगवान अपने पास बुला ले तो ज्यादा उचित रहेगा, नहीं तो पुतले का दहन तो हम आज करने ही वाले हैं। वहीं बीजेपी सरकार की चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा है, कहा कि लिटफेस्ट में साहित्यकार पीएम मोदी के फैसले की आलोचना कर गए और हिमाचल बीजेपी मौन है। शांता जी स्वयं एक साहित्यकार रहे हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने पुस्तकें लिखी, ऐसी पुस्तकें लिखी जो औरों के लिए भी प्रेरणा रहेगी, पर लेकिन वो जब असली बात सामने आई तो एक सभी स्वार्थ के कारण है। वो भी मुख्यमंत्री बनने के बाद धर्म निरपेक्षता का जो आलाप है वो आलापने लग गए थे। कल के अखबार या आज के अखबार में जब आपने देखा होगा सभी ने शांता कुमार जी का मुख्य पृष्ठ पर इंटरव्यू लगा हुआ है, उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वहाँ पे वो सही है, लिट फेस्टिवल इस तरह के होने चाहिए, लिट साहित्यकारों के सम्मेलन होने चाहिए, लेकिन साहित्यकार किस तरह की बातें करके जा रहे हैं, क्या समाज को प्रेरणा दे रहे हैं, वह चिंतनीय विषय है। शांता कुमार जी स्वयं उनके लेख आते रहे हैं राजनीति के ऊपर, समाज के ऊपर, पंजाब के बड़े बड़े लेख उनके संन्यास लेने के बाद आए, लेकिन जो कल का लेख आज का लेख है वो सभी के लिए चिंतनीय है। इसका मतलब कि वो आज तक जो कहते रहे वो सिर्फ कहने की बातें थी, उनकी कथनी और करनी में पूरा अंतर नजर आ रहा है। दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है वो खुद तो संन्यास ले चुके, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती साथ में बैठे हैं, इधर को किशनपुर वहाँ के सांसद साथ में बैठे हुए हैं, और दुर्भाग्य की बड़ी बात यह है कि मुख्य साहित्यकार प्रधानमंत्री के फैसले की आलोचना करके जाते हैं और पूरी भाजपा हिमाचल में भी है वो भी मौन बैठी है। मंत्री कसौली से है संबंधित मंत्रालय, क्या नाम है, राजीव सहजल, एक भी किसी ने टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब ये सभी समाज को यूज करते हैं, हम हिंदुत्व के एजेंडे पर है लेकिन सभी का जो है खोखला बोलबाला है। जैसे कि शांता कुमार जी ने कहा कि जो संवाद है संवाद पर कभी विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए पर संवाद संवाद की तरह होना चाहिए, संवाद सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक संवाद को संवाद नहीं कह सकते। और उनका जो संवाद है वो पत्रकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही समाज के सामने आया है। वो किस तरह बुरहान वानी को देशभक्त कहते हैं, वो आतंकवादी नहीं था, वो कहते हैं कि 370 जो है सरकार माफी मांगे, वो कहते हैं कि राम भी दुखी हो गए जब बाबरी ढांचा गिरा, राम लला हम आएंगे। हिमाचल अभी के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन आपके लिए लाए हैं सोना लो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि ऑफर, जिसमें भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने हीरे व चांदी के आभूषण और आप जीत सकते हैं लाखों के सुनिश्चित इनाम, 2.5 लाख की गोल्ड ज्वेलरी, 4 दिन और 3 रातों का दुबई टूर, 3 स्कूटी, 5 LED TV, 5 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेर सारे इनाम। और ये ही नहीं, 100% BIS हॉलमार्क आभूषण एवं 100% बायबैक गोल्ड वैल्यू और सबसे कम मेकिंग चार्जेस। ऑफर वैलिड फ्रॉम 10 सितंबर टू 14 दिसंबर 2019। भूषण ज्वेलर्स, जहां है एहसास अपने पन का। लोअर बाजार सोलन।